हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 10 के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सुरासेट के मॉम की असिस्टेंट सिमाला और तसनाई के फैमिली मीटिंग के फोटो सुरासेट के मॉम को दिखाती है। तो सुरासेट के मॉम कहती है कि क्या ये सिमाला के पापा है और क्लोथिंग फैक्ट्री के ओनर, और सिमाला तो ऐसे बिहेव करती है जैसे इसे कोई भी लड़का मिल सकता है और मेरे बेटे को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करती है। और वॉर्डम के पिक्चर देखकर पूछती है कि सिमाला इसे भी डेट करती है ना, और ये तसनाई की मॉम के साथ क्या कर रहा है। हम सिमाला के बारे में काफी कुछ नहीं जानते, तो हमें पता लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सिमाला तसनाई से मिलकर उसके मॉम का एड्रेस ले लेती है और कहती है कि मुझे उन्हें विजिट करना है। तो तसनाई कहता है कि मेरे मॉम को विजिटर्स पसंद नहीं है, पर तुम्हें देखकर वो खुश होगी क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। फिर सिमाला को ऑफिस में तसनाई की कॉल आती है और तसनाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें मॉम का एड्रेस दे दूंगा, पर आज उन्हें विजिट मत करना। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर आज विजिट मत करना। तो सिमाला को शक हो जाता है। दरअसल तसनाई ने भी प्लान बनाया होता है ताकि वो वॉर्डम को एक्सपोज कर सके। फिर हम देखते हैं कि सिमाला वॉर्डम को कॉल करके कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है। तो वॉर्डम उसे कहता है कि मैं मेरे क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। तो सिमाला कहती है पर आज तो छुट्टी का दिन है ना। तो वॉर्डम कहता है कि हाँ, पर वो क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिमाला को शक हो जाता है कि वॉर्डम तसनाई के मॉम के घर जा रहा होगा। तो सिमाला वहां चली जाती है, पर डोर के पास जाकर अपना मन बदल लेती है और लौट रही होती है, तभी वहां तसनाई आ जाता है। सिमाला उसे देखकर शॉक हो जाती है। तो तसनाई कहता है चलो मेरे मॉम से मिलने, दोनों साथ में चलेंगे, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो अकेली होगी। तो सिमाला अंदर जाने से मना कर देती है और वहां से दोनों चले जाते हैं। जाते वक्त तसनाई सिमाला से पूछता है कि तुमने अपना मन क्यों बदल लिया। तो सिमाला कहती है कि मुझे लगा ये ठीक समय नहीं होगा मेरे विजिट करने का। तो तसनाई उसे पूछता है कि कहीं तुम कुछ जानने तो नहीं आई थी। तो सिमाला कहती है कि हमें अब चलना चाहिए, और दोनों लिफ्ट लेकर नीचे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वॉर्डम लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमाला सुरासेट से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है। तो सुरासेट उसे पूछता है कि मेरी मॉम ने रूजा से कहा है कि वो तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती है। तो सिमाला कहती है कि हाँ पता है, क्या तुम्हें नहीं पता था। तो सुरासेट कहता है कि मैं दरअसल डिसाइड कर रहा था कि तुम्हारी फैमिली को घर पर इन्वाइट करूं, पर मैंने सोचा तुमसे पहले पूछ लूं क्योंकि तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मॉम इतनी इंपेशेंट हो सकती है। तो सिमाला कहती है कोई बात नहीं। तभी सुरासेट को कंपनी से कॉल आती है और उसकी मॉम का कांटेक्ट ना होने की वजह से उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि सुरासेट की मॉम वहां आ जाती है। तो सिमाला शॉक हो जाती है। दरअसल सुरासेट की मॉम ने जानबूझकर सुरासेट को वहां से भेज दिया होता है ताकि वो सिमाला से अकेले में मिल सके। फिर वो सिमाला से कहती है कि मेरे बेटे से अगर तुम दूर नहीं रही तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तो सिमाला कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है। तो सुरासेट की मॉम कहती है कि सारे लड़कों के साथ तुम सोती हो और ये मुझे पता चल गया है, और उसे एक पिक्चर दिखाकर कहती है कि जो दिखाती है जिसमें सिमाला तसनाई के मॉम के घर के दरवाजे पर खड़ी होती है और उस पिक्चर में तसनाई भी होता है। सुरासेट की मॉम ने वो पिक्चर अपने असिस्टेंट को कहकर ली होती है। तो सिमाला कहती है कि तुम मुझे स्टॉक कर रही थी ना, अब पता चला सुरासेट इतना अनकंफर्टेबल क्यों रहता है। तुम उसे हमेशा फॉलो करती रहती हो, उसकी अपनी खुद की लाइफ ही नहीं है। तो सुरासेट की मॉम कहती है कि तुम कुछ मत कहना, तुम एक एक लड़कों को ऐसे ही फंसाती हो और उन्हें सेड्यूस करके फंसा लेती हो और उन्हें रूम में लेकर जाती हो, और उसे वॉर्डम की पिक्चर दिखाती है जो उसके असिस्टेंट ने तसनाई के मॉम के घर के बाहर ली होती है। तो ये देखकर सिमाला तो शॉक ही हो जाती है क्योंकि वॉर्डम का सच उसके सामने आ जाता है। फिर सुरासेट की मॉम कहती है कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। तो सिमाला का भी गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे झगड़ने लगती है। तो सुरासेट की मॉम कहती है कि तुमने मेरे बेटे को का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि सिमाला बहुत ही सैड होकर वहां से चली आती है, वो बहुत ही अपसेट होती है। तभी हम देखते हैं कि वॉर्डम सिमाला को कॉल करके कहता है कि मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, तो क्या हम मिल सकते हैं। तो सिमाला कहती है ठीक है। ये बात सुरासेट के मॉम की असिस्टेंट सुन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिमाला सुरासेट से कहती है कि मैं बिजी हूँ। तो सुरासेट कहता है कि ठीक है, हम
किसी और टाइम मिलेंगे। तभी उसकी मॉम आकर पूछती है कि क्या सिमाला के फैमिली से मीटिंग फिक्स कर दी। तो सुरासत कहता है कि मॉम मुझे मेरे डिसीजंस लेने दीजिए। तो मॉम कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे हेल्प करना चाहती थी, और पूछती है कि मैंने सुना है सिमाला बिजी है और वो किसी के साथ गई है। तो सुरासत कहता है कि हाँ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। यहाँ हम देखते हैं कि सिमाला वार्डोम से मिलकर कहती है कि मैंने और सुरासत ने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे की फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उस दिन मैं टेसनाई और उसकी मॉम से भी मिली। क्या तुम टेसनाई के मॉम को जानते हो? तो वार्डोम कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो सिमाला ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है कि वार्डोम उसे झूठ कह रहा है। फिर वो वार्डोम से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं, फिर भी तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो, और क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपनी फैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस कब करवाओगे। ये सुनकर वार्डोम कहता है कि नहीं, ये सही वक्त नहीं है। तो सिमाला उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। जब भी मैं तुमसे पूछती हूँ तुम कुछ ना कुछ बहाना बना देते हो। और इससे पहले कि वार्डोम उसे कुछ कहे, वहां सुरासत आ जाता है और सिमाला से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम फ्रेंड्स के साथ हो। तो वार्डोम कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। फिर सिमाला सुरासत से कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते ना, और तुम यहाँ अपने मॉम की वजह से आए हो ना, और कहती है कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया था और वार्डोम ने मुझे कॉल किया इसलिए उसे मिलने आई थी, और वहां से जाने लगती है। तो सुरासत उसे रोक कर कहता है कि दरअसल मेरे मॉम के स्टाफ ने एक्सीडेंटली तुम्हारी और वार्डोम की बातें सुन ली थी। तो सिमाला कहती है तुम्हें लगता है कि सच में एक्सीडेंटली सुन रहे थे, और कहती है कि लगता है कि जब तक मैं ब्रेकअप ना कर लूँ तुम्हारी मॉम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। तो सुरासत उसे कहता है कि सिमाला प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, और मेरी मॉम को तुमसे दूर रखूँगा, तो प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। तो थोड़ी देर सोच कर सिमाला उसके करीब आकर उसे किस कर देती है, और वार्डोम ये देख लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।